पर हुए विवाद के बाद शशि थरूर को कांग्रेस ने चेताया। हिंदू पाकिस्तान वाले बयान पर शशि थरूर के समर्थन में उतरे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। सरिया अदालत पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बोले, कानून में हर समुदाय के पास अपने कायदे मानने का हक। झारखंड में मिशनरीज ऑफ चैरिटी से चोरी हुए 3 बच्चे मिले, सीएम ने 15 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट। मिशनरीज ऑफ चैरिटी को बदनाम कर रही है भाजपा, सीएम ममता बनर्जी ने लगाया आरोप। गाजियाबाद में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए पुलिसकर्मी पर अब भद्रता का आरोप, महिला से कहा मुझे गले मिलो, हुआ सस्पेंड। 2019 जीतने के लिए पीएम मोदी का प्लान, देश भर में करेंगे 50 से ज्यादा रैलियों को संबोधित। विश्व के सबसे लंबे नाखूनों वाले गिनीज रिकॉर्ड धारक श्रीधर चिल्लाल ने कटवाए अपने नाखून। भास्कर के ग्रुप एडिटर और तेज तर्रार पत्रकार कल्पेश याग्निक का हार्ट अटैक से निधन। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक का आरोप, छोटा हरिद्वार में जान बचाने वाले ही डुबोकर कर रहे हैं हत्या, की जांच की मांग। आयुष्मान भारत योजना के लिए आधार जरूरी नहीं, सरकार ने कहा सभी पात्र लोगों को मिलेगा फायदा। दिल्ली में कूड़े पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को फटकारा, कहा आप कहते मैं सुपरमैन हूं पर करते कुछ नहीं। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कुरान पढ़ने पर रोक, कट्टर हिंदू संगठन धर्म सेना का विरोध। टिटहरी के अंडों को गलती से तोड़ने पर पंचायत का तुगलकी फरमान, बच्ची को किया जाति से बाहर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कपाट खुले, दर्शन करने के लिए लगा भक्तों का तांता, 14 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। भारत ने अगले साल गणतंत्र दिवस परेड में डोनाल्ड ट्रंप को दिया मुख्य अतिथि बनने का न्योता। दिलीप कुमार की खातिर इमोशनल हुई सायरा बानो, फैंस से बोली मेरे कोहनूर के लिए दुआ करें। हिमा दास ने रचा इतिहास, वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया, 6 विकेट लेकर कुलदीप यादव बने मैन ऑफ द मैच। केविन एंडरसन ने तोड़ा रॉजर फेडरर के 9वें विंबलडन खिताब का सपना, हुए बाहर।